हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं पहुंचा हूं अपने गांव कोटली सिलोर महादेव में। आज हमारे चाचा जी श्री दीवान सिंह बिष्ट जी को गुजरे हुए हो गए हैं 9 दिन, और आज सारे परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों ने मुंडन किया हुआ है, वो लोग देंगे उनको तिलांजलि। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो घर में आजकल क्या क्या काम चल रहा है, और जो मेरा मकान है उसका आप ही काम जो है कितना बचा हुआ है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। इसी में करता हूँ। दोस्तों, आज चचा दीवान सिंह बिष्ट जी को गुजरे 9 दिन हो गए हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं उनको तिलांजलि देने के लिए। और दोस्तों, हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो मान्यताएं हैं उनको अभी भी पूरे उसी तरीके से हमारे पहाड़ के लोग मानते हैं, जो चाहे पहाड़ों में रहते हों या बाहर रहते हों। तो मैं भी आजकल सिपौला ही रहता हूँ, तो आज सारे लोग परिवार वाले जो है तिलांजलि देने के लिए आए हुए हैं, और बहुत से लोग नहीं भी आ पाए हैं। तो और हमारा लोगन पानी पीने के लिए आया है, और नदी में डब्बू और नोवा ने भी काफी आनंद लिया है। तो दोस्तों, अब चल रहे हैं घर को वापस, और मैं भी थोड़ा घर हो जाता हूं। तो दोस्तों, थोड़ी देर घर पर होकर के आता हूँ, फिर थोड़ी देर में लौटूंगा तिपोला को, और फिर कल होंगे 10 दिन। तो 10 दिन से जो क्रिया होती है उसमें फिर और चीज़ें भी होती हैं, प्रेत आत्मा के लिए खाना वगैरह भी बनाना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कल सुबह से फिर आना पड़ेगा, और फिर देखेंगे कि आगे का हमारा प्रोग्राम कल से क्या रहता है। तो दोस्तों, अनाज आ गया है घर पर, और यह है मांस। थोड़ा मांस चूर देता हूँ दो हाथ। ना ना, सही चू सही है वो। ये जो है, ये जरा तौलिया डिस्टर्ब कर रहा है। तो दोस्तों, पहाड़ों में वैसे तो गर्मी बहुत होती है इस वक्त, लेकिन इस गर्मी में भी जब आप अपना काम करते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है। और अभी तो ये हमारे उधर जो दय होती है बैल वगैरह जोत करके, वो वाला नहीं है। ऐसे धूप में भी फिर बैलों को जो है घुमाते रहते हैं अनाज के ऊपर से। फिलहाल अब मैंने अपना काम कर दिया है, और आप लोगों को दिखा दिया है कि मांस की जो है भी चुटाई चल रही है। और नोवा, डब्बू और लोगन भी मेरे साथ में है। और ये देखिए, हमारे आंगन में जो है सब अभी
मांस जो है डाला हुआ है सूखने के लिए, और चचा भी लग गए हैं अपनी सेवा दे रहे हैं थोड़ा, तो वो भी जो है अभी मांस की चुटाई कर रहे हैं। तो अब चलते हैं पहले अपने घर पर, अपना सामान रखते हैं अंदर के। अरे तो दोस्तों अभी भी हमारा मकान का जो है काम पूरा नहीं हो पाया है। पिछले साल दिसंबर से हमने काम लगा रखा है और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब देखो कितना टाइम अभी और लगता है इस पे। सबसे पहले हम खोल लेते हैं दरवाजा अपना, क्योंकि अब घर आए हैं तो थोड़ी देर इधर रुकेंगे और फिर थोड़ा आराम करके फिर उसके बाद जाएंगे त्रिपुरा। और चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी पेंट का काम जो है हमारा बचा हुआ है। जब पेंट का काम होगा तो फिर पेंट का काम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर जो इसका पूरा जो निखार है उसके बाद आएगा। जय हो। तो दोस्तों बहुत से हमारे मित्रों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया मकान का काम आपका कितना हो गया है, आपने जो है दिखाया नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखा दिया कि हमारा मकान का जो काम है वो कितना हो गया है और अभी
कितना बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं अभी पेंट्स वगैरह का काम है, थोड़ा सा इस कमरे में लाइट वगैरह का भी काम होना है। तो दोस्तों जब पूरा काम हो जाएगा तो एक बार फिर से मैं आपको अपने घर की जो है पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। Ah.